चलो आज आगे चैप्टर टू में वही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन टॉपिक नया है अपने पास और टॉपिक का नाम क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। चैप्टर टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हमने, बहुत से एटॉमिक मॉडल हमने कंप्लीट किया, उसी का सब टॉपिक है मान लो ये। और टॉपिक कौन सा है आज, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बढ़िया सा टॉपिक है और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है टोटल। याद करो हमने जब स्ट्रक्चर कंप्लीट किया तो न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल और सेकंड सेल इंडिकेट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर ध्यान रखना यहाँ पर, ओके। फर्स्ट सेल एंड सेकंड सेल इंडिकेट कर रहा हूँ, तो हमें याद था कि अगर ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन अगर वो एक्साइटेड हो रहा है और फर्स्ट सेल से सेकंड सेल में जंप कर रहा है, फर्स्ट सेल से वो सेकंड सेल में जंप करके गया, तो उस वक्त वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है या एनर्जी रिलीज करेगा, तो एनर्जी इस वक्त क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा। और कौन सा स्टेट बोलेंगे इसे, ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट हुआ, दैट्स कॉल्ड एक्साइटेशन बोलेंगे हम उसे। अब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में ही रहेगा, तो एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन कुछ वक्त में और 10^-8 सेकंड के अंदर ही, 10^-8 सेकंड के अंदर ही एक्साइटेड स्टेट से वापस कहाँ आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से वापस यहाँ पर आ जाएगा। पॉइंट समझना क्या था, पहले इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था, ग्राउंड स्टेट में उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की कोई ना कोई फोटोन के फॉर्म में, और वहाँ से जंप करके इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, सेकंड सेल में या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो उस वक्त उसने एनर्जी क्या की थी, एब्जॉर्ब की ना उस वक्त, तो उसने एनर्जी जो एब्जॉर्ब की वो कौन से फॉर्म में एब्जॉर्ब किया, रेडिएशन फॉर्म में या फोटोन के फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, रेडिएशन फॉर्म या फोटोन फॉर्म लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर तो वो क्या कर रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, कोई ना कोई तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में से वापस कहाँ जंप कर रहा है, उसके ग्राउंड स्टेट के अंदर, तो उस वक्त जो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की थी वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। तो यहाँ से अब क्या होगी बोलो, एनर्जी रिलीज होगी या एमिशन होगी एनर्जी यहाँ से, तो यहाँ से एनर्जी क्या हो रही है, एमिटेड हो रही है। तो यहाँ पर जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और यहाँ पर एनर्जी जो रिलीज हो रही है, तो इसे हम मेजर भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं कि कितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है और कितनी एनर्जी वो रिलीज कर रहा है। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट में है कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करके, जो एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, तो एक्साइटेड स्टेट में वो ओनली 10^-8 सेकंड तक ही रहता है, फिर वापस वो ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, तो जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की वो एनर्जी वापस क्या करेगा, वो रिलीज करेगा, समझ रहे हो ना, तो वही एनर्जी वापस वो रिलीज कर देगा। तो यहाँ पर एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी जो यहाँ पर एमिटेड हो रही है, उसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। और कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास दो टेक्निक है, एक तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या स्पेक्ट्रोस्कोप भी बोलते हैं उसे, तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और दूसरा स्पेक्ट्रोग्राफ भी है। तो दोनों इंस्ट्रूमेंट्स, दोनों मेथड से हम यहाँ पर एब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी और यहाँ पर रिलीज होने वाली एनर्जी को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब समझो कैसे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, कैसे रिलीज हो रही है और कौन से फॉर्म में। तो हाँ, एनर्जी ये फोटोन फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रही है, तो फोटोन फॉर्म में ही रिलीज होगी ना एनर्जी, तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो भी फोटोन के फॉर्म में ही एनर्जी रिलीज हो रही है। उसके बाद आगे पॉइंट समझना, और कैसे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज कैसे हो रही है, तो मैं तुम्हें रिलीज एनर्जी बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओनली सेकंड सेल की बात कर सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉन अगर उसे ज़्यादा एनर्जी मिली तो फर्स्ट सेल से वो थर्ड सेल में भी जा सकता था, चौथे सेल में भी जा सकता था, तो चौथे सेल से इलेक्ट्रॉन वापस फर्स्ट सेल में आ ही जाएगा ग्राउंड स्टेट में। तो एज एग्जांपल मान लो ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन का एटम है। अब जब हम सिर्फ ये एनर्जी पर फोकस कर रहे हैं अभी, ओके, कितनी एनर्जी वो रिलीज कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्साइटेड स्टेट से जब वो ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो एनर्जी क्या करेगा, वो
रिलीज करेगा। तो एज एग्जाम्पल मान लो ये एनर्जी रिलीज हो रही है ना, ये एनर्जी रिलीज कर रहा है, अलग अलग एनर्जी रिलीज कर रहा है अलग अलग स्टेट से। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्रिज्म रख लेते हैं, प्रिज्म रखा हमने, और प्रिज्म के पीछे एक फोटोग्राफिक प्लेट अरेंज कर देते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट। तो ये क्या है समझना, अभी भी ये लाइन क्या बता रही है, जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो, और कौन सी एनर्जी रिलीज हो रही है, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जब आ रहा है वापस, तो उसने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की थी वो वापस क्या करेगा, रिलीज कर रहा है। तो एनर्जी यहाँ से रिलीज हो रही है ना, तो अब यहाँ पर जैसे ही प्रिज्म पर ये टकराएगा तो यहाँ से क्या होगा, हल्का सा डेविएशन होगा, इसमें भी डेविएशन हो सकता है। ओके, तो सब में अलग अलग डेविएशन हो सकता है। किस पर डिपेंड करेगा डेविएशन, उसकी वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा, मतलब वो एनर्जी कितनी है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमें अलग अलग वेवलेंथ वाले लाइट मिलने हैं, यहाँ पर हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, अलग अलग वेवलेंथ वाले लाइट रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पर। और ये जो लाइन्स निकल रही है ना एनर्जी, उसमें बहुत सारी फाइन स्मॉल लाइन्स है, बहुत सारी छोटी छोटी लाइन्स रिकॉर्ड होती है उसमें, और उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और वही क्या है, स्पेक्ट्रम है, या जो एनर्जी के ये जो लाइन निकल रही है ना, वही क्या है, स्पेक्ट्रा है। और किसके लिए हम स्टडी कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन एटम के लिए स्टडी कर रहे हैं। क्लियर है ना वर्ड, तो हाइड्रोजन के लिए हम सारी चीज़ें देख रहे हैं, फोटोग्राफिक प्लेट पर आसानी से हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यही क्या है अपना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन आता है फर्स्ट सेल में सेकंड सेल में, तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है ना, वो भी कैलकुलेट किया उन्होंने। तो एज एग्जांपल मान लो, जैसे कि एज एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल ले लेते हैं हम, ये सेकंड सेल, थर्ड सेल एंड फोर्थ सेल, है ना। अब इलेक्ट्रॉन मान लो कौन से सेल में, अभी फोर्थ सेल में, तो फोर्थ सेल से जब इलेक्ट्रॉन वापस कौन से सेल में आ रहा है, फर्स्ट सेल में आ रहा है, तब भी क्या करेगा, वो एनर्जी रिलीज करेगा ना, तो वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसी तरह थर्ड सेल से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यहाँ पर समझना, कौन से सेल में ट्रांसफ़र हो रहा है, फर्स्ट सेल में, तब भी एनर्जी तो रिलीज होगी। सेकंड सेल से यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज होनी है, क्लियर है ना ये। तो ये सारी रिलीज जो एनर्जी हो रही है ना, उसे हम रिकॉर्ड करेंगे स्पेक्ट्रोग्राफिक प्लेट के ऊपर। और हो गई है, कितनी एनर्जी रिलीज होती है हाइड्रोजन के लिए, वो तो क्लियर ही है। तो ये तो फर्स्ट सेल में आया। उसी तरह कुछ साइंटिस्ट ने क्या कैलकुलेट किया, कि जब इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल से जंप करके कौन से सेल में आ रहा है, सेकंड सेल में, तब भी एनर्जी तो रिलीज होगी। उसी तरह थर्ड सेल से फर्स्ट में आ रहा है, तब भी एनर्जी तो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट समझना क्या है, कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर सेल से लोअर सेल में जब एंट्री हो रही है, तो उस वक्त एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। और वो एनर्जी कितनी होगी, और जो लाइट है, एनर्जी है तो लाइट वेव के फॉर्म में होंगे, और उसकी वेवलेंथ कितनी है, वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड देखो एक बढ़िया सा डायग्राम है, वो डायग्राम समझने की कोशिश करना। मान लो एज एग्जांपल यही डायग्राम प्लॉट कर रहा हूँ मैं वापस, तो ये कौन सा सेल है, फर्स्ट सेल ले लेते हैं, है ना, एन इज इक्वल टू वन, फर्स्ट सेल आ गया ये, मतलब मैं ये बता रहा हूँ यहाँ पर। अब उसके बाद दूसरा सेल ले लेते हैं, दूसरा सेल थोड़ा ऊपर की तरफ बताएंगे, ये जगह थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, अब ये जो जगह है ना, वो जगह से भी थोड़ी जगह कम होगी, स्पेस यहाँ पर थोड़ी और कम रखेंगे हम। तो तीसरा सेल ले लेते हैं यहाँ पर हम, उसी तरह एक चौथा सेल ले लेते हैं, देन फिफ्थ नंबर का सेल है, एंड देन सिक्स सेवन, सेवन तक ले रहे हैं, टोटल सेवन सेल इंडिकेट किया है यहाँ पर। ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ, टोटल कितने ऑर्बिट रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पर, सेवन। और फाइनल तो कौन सा होगा, इन्फिनाइट ना फाइनल, तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो ये कौन सा है, एन इज इक्वल टू इन्फिनाइट। तो पहले तो यही फोकस करो कि डायग्राम में ये है क्या, क्लियर ना। तो ये नंबर ऑफ सेल ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू टू, n इज इक्वल टू थ्री, फोर, फाइव, सेवन तक की ज़रूरत है हमें यहाँ पर।
अब वापस याद करो, हमने एनर्जी भी कैलकुलेट की है। फर्स्ट सेल में हाइड्रोजन के लिए एनर्जी कितनी थी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी ना। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी थी फर्स्ट सेल में। सेकंड सेल में एनर्जी कितनी थी? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो थर्ड सेल में कितनी एनर्जी थी? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ में 85। फिफ्थ नंबर में, अभी डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, निकाल रहा हूँ। फिफ्थ में 0.54। सिक्स में 38। सेवन 28। और आगे नहीं जाना हमें, फाइनल में तो हमें पता है ना कितनी है। बोलो यहाँ पर एनर्जी जीरो, फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो। अब समझना क्या है, अगर एज एग्जांपल मान लो 7 ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके कौन से सेल में आ रहा है? फर्स्ट सेल में आ रहा है। ओके, तो क्या होगा? देखो 7th सेल से इलेक्ट्रॉन को मैं फर्स्ट सेल में जंप करवा रहा हूँ, तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी ना यहाँ पर, यस। और वो एनर्जी को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। कौन से फॉर्म में? स्पेक्ट्रम के फॉर्म में एनर्जी रिकॉर्ड करेंगे। उसी तरह 6 नंबर के सेल से जंप करके आ सकता है वो फर्स्ट में वापस, और आगे पीछे हो रहा है डायग्राम। ओके, उसी तरह 5th से फर्स्ट तक ले रहा है, 4th से ले रहा है, 3rd से एंड 2nd से। अब पॉइंट समझना यहाँ पर क्या क्या है। हर बार क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है स्पेक्ट्रम के फॉर्म में, उसे रिकॉर्ड करेंगे हम। तो रिकॉर्ड हो गई, और किसने रिकॉर्ड किया ये एनर्जी? तो लाइमन करके साइंटिस्ट था, उसने एनर्जी को क्या किया? रिकॉर्ड किया। तो ये सीरीज को हम क्या बोलने वाले हैं? इट्स कॉल्ड दी लाइमन सीरीज। पॉइंट समझना, लाइमन सीरीज क्या है? तो लाइमन सीरीज का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से जंप करके कौन से ऑर्बिट में आ रहा है? फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करके आ रहा है ना। तो लाइमन सीरीज के लिए क्या लिखूंगा मैं? NH2N1 ना। तो लाइमन सीरीज के लिए क्या होगा? NH हाई ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट में आ रहा है? फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है। जब भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी। अब जो वेवलेंथ है उसकी वेवलेंथ यूवी लाइट की वेवलेंथ के बराबर है, मतलब यहाँ से रिलीज होने वाली एनर्जी कौन सी है? यूवी रेज है, अल्ट्रा वायोलेट रेज होते हैं यहाँ पर। तो ये कौन से रेज होंगे यहाँ पर? यूवी रेज। तो लाइमन सीरीज के अंदर कौन से रेज होते हैं? यूवी रेज होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ। तो एक तो चीज़ ये, और यहाँ से जो वेव्स निकल रही है उसकी वेवलेंथ भी कैलकुलेट करेंगे आगे। दूसरा, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन 7th सेल से जंप करके फर्स्ट सेल तक आ रहा है तो टोटल कितनी स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी हमें? टोटल कितनी लाइन मिलती है? तो 7 से फर्स्ट एक, 6 से ये भी मिलेगी, तो टोटल कितनी लाइन मिल रही है हमें? 6th लाइन मिलेगी यहाँ पर। 7th सेल से अगर स्टार्ट करें तो टोटल कितनी स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही है हमें यहाँ पर? स्पेक्ट्रम लाइन टोटल 6 मिलेगी, है ना। अगर 8 से होगी तो 7, तो ये भी याद रखना है। ओके, तो कितनी स्पेक्ट्रम लाइन कितनी मिलेगी हमें, वो नंबर भी समझना है हमें यहाँ पर। चलो सेकंड नंबर, तो यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो तो हायर एनर्जी रिलीज होती है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? यूवी रेज। अब दूसरी कंडीशन ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन मान लो 7th सेल से जंप करके कौन से सेल में आ रहा है? सेकंड सेल में, या तो 6th से सेकंड, 5th से सेकंड, 4th या 3rd से। यहाँ पर भी क्या हो रही है, एनर्जी तो रिलीज होगी ना। सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ पर रिलीज होनी है, यही याद रखना। सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर ही रिलीज होती है। मैंने उस दिन भी बताया था कि फर्स्ट सेल में आने वाली एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज होगी। तो वो एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो भी किसी ने रिकॉर्ड की है, तो किसने रिकॉर्ड की है ये एनर्जी? लाइमन बामर। किसने? बामर। और इसे कौन सी सीरीज बोलेंगे? बामर सीरीज। इट्स कॉल्ड दी
बामर सीरीज बोलेंगे। और बामर सीरीज में जो, तो बामर वर्ड जब भी आ रहे हैं ना बामर सीरीज, तो उसके लिए क्या वर्ड याद रखेंगे हम? एंड हाई ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट में? सेकंड ऑर्बिट ना, हाई ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है? हाई मतलब कोई भी ले लो अपर तुम, ओके हाई में तुम अपर से कोई भी ले लो, लेकिन इलेक्ट्रॉन कौन से? सेकंड सेल में अगर आ रहा है तो उस वक्त रिलीज होने वाली एनर्जी कौन सी है, या कौन सी सीरीज है? वो बामर सीरीज है। और यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कौन सी एनर्जी है? विजिबल लाइट या विजिबल एनर्जी जो होती है वो, ओके। तो अगेन इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, तो किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, यूवी रेज की या विजिबल की? यूवी रेज की एनर्जी ज़्यादा है, विजिबल की एनर्जी उससे थोड़ी कम है। तो बामर ने वैसे तो सबसे पहले यही रिकॉर्ड हुआ था, विजिबल सीरीज ही सबसे पहले बामर सीरीज ही रिकॉर्ड हुई थी, क्योंकि ये विजिबल होता है, आसानी से डिटेक्ट हो गया था ये, फिर उसके बाद यूवी रेज डिटेक्ट हुआ था। चलो उसके बाद एक और, अब इलेक्ट्रॉन मान लो हायर ऑर्बिट से जंप करके कौन से सेल में जंप कर रहा है वो? थर्ड सेल में, अरे सॉरी सेकंड नहीं, थर्ड सेल में। तो सेवन से थर्ड पर ले रहा हूँ मैं, या तो सिक्स से थर्ड पर ले लो, फोर्थ या फिफ्थ या फोर्थ, अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन जंप करके कौन से सेल में आ रहा है? थर्ड सेल में आ रहा है। मतलब थर्ड सेल में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तब भी एनर्जी तो क्या होगी? रिलीज होगी, ये दोनों से तो कम ही ना, ये दोनों से एनर्जी क्या होगी? यहाँ पर जो रिलीज होगी वो थोड़ी एनर्जी उसकी कमी होगी। तो उसे किसने रिकॉर्ड किया? तो पाश्चन, किसने रिकॉर्ड की वो एनर्जी? पाश्चन सीरीज। और इसे कौन सी सीरीज बोलेंगे हम? पाश्चन सीरीज। अब पाश्चन सीरीज का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन हाई ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट में जंप कर रहा है? जब भी पाश्चन सीरीज की बात हो रही है तो हाई ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में आ रहा है, तो वो पाश्चन सीरीज रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो तो एनर्जी होगी ना कुछ ना कुछ, तो वो कौन से फॉर्म की एनर्जी है? तो वो इंफ्रारेड एनर्जी होती है। कौन सी? आई डॉट आर लिख लेता हूँ मैं। इंफ्रारेड पता है ना कहाँ पर होती है? इंफ्रारेड सनलाइट से आने वाली तीन एनर्जी है, यूवी, विजिबल एंड इंफ्रारेड। और जो बॉडी पर हीट होती है वो इंफ्रारेड की वजह से होती है। अब तीनों में से सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी? चलो यूवी की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, और तीनों में सबसे कम इंफ्रारेड की एनर्जी सबसे कम है तीनों के कंपेयर में। चलो उसके बाद नेक्स्ट, तो ये किसने रिकॉर्ड किया था? पाश्चन ने। देन उसी तरह अब कौन से सेल में जा रहे हैं? चौथे सेल पर। तो इलेक्ट्रॉन हाई ऑर्बिट से जंप करके कौन से सेल में आ रहा है? फोर्थ सेल में अगर आ रहा है तो वहां पर भी एनर्जी तो रिलीज हो रही है। तो एनर्जी जो रिकॉर्ड की किसने की? लाइमन, बामर, पाश्चन एंड ब्रैकेट। किसने? साइंटिस्ट के नाम है ये सारे, जिसने एनर्जी को रिकॉर्ड किया था वो, तो उनके नाम से ही सीरीज बन गई। तो ब्रैकेट सीरीज बोलेंगे इसे, और ब्रैकेट सीरीज का मतलब क्या? NH2N4। और यहाँ पर रिलीज होने वाली एनर्जी कौन से फॉर्म में होती है? IR के फॉर्म में होगी, इंफ्रारेड के फॉर्म में होगी। यहाँ पर भी इंफ्रारेड, अब सारी इंफ्रारेड ही ऑलमोस्ट। चलो नेक्स्ट, उसके बाद अभी भी दो ऑप्शन है ना अपने पास। चलो इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में आएगा अब जंप करके? फिफ्थ सेल में आ रहा है ना, यहाँ पर भी एनर्जी तो रिलीज हो रही है, लेकिन यहाँ पर अब एनर्जी क्या है? बहुत कम है, समझना। अब डिटेक्ट करना थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है एनर्जी, लेकिन डिटेक्ट हो रही है यहाँ पर भी। और डिटेक्ट की एक साइंटिस्ट ने, क्या नाम था? फुंड। क्या नाम था उसका? और क्या सीरीज बोलेंगे इसे? फुंड सीरीज। और क्या, कौन सा नंबर होगा? हायर ऑर्बिट टू फिफ्थ नंबर। और यहाँ पर भी एनर्जी तो रिलीज हो रही है इंफ्रारेड, कौन से फॉर्म में? हाँ, ये तीनों तुम बोलोगे सर ये तीनों इंफ्रारेड है, नो डाउट, लेकिन इसकी एनर्जी क्या होगी? कम। एक और ऑप्शन ले लेते हैं, सेवन से कौन से सेल में? सिक्स में। यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन बहुत कम एनर्जी रिलीज हो रही है, समझना। और इसे भी रिकॉर्ड किया हुआ है, किसने रिकॉर्ड किया ये एनर्जी को? हम्फ्री। कौन? तो हम्फ्री के लिए बोलो क्या होगा? NH2N6। और यहाँ पर रिलीज होने वाली एनर्जी कौन सी है? इंफ्रारेड ही है, लेकिन कौन सी इंफ्रारेड है? फार इंफ्रारेड, मतलब बहुत कम। अब तो
तो पॉइंट समझना क्या था, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो क्वेश्चन तो वही था कि इलेक्ट्रॉन जब हाई ऑर्बिट से जंप करके लो ऑर्बिट में आता है तो उस वक्त क्या करेगा, वो एनर्जी रिलीज करेगा, और ये एनर्जी रिलीज कर रहा है उसे हमने क्या किया, रिकॉर्ड कर लिया। कौन से फॉर्म में रिकॉर्ड किया, इसे स्पेक्ट्रम के फॉर्म में रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्यों स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं समझना, ये जो एनर्जी रिलीज हो रहे हैं ना, जब उसे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें बहुत सारी फाइन लाइन्स ऑब्जर्व होती है, और वो फाइन लाइन्स को ही क्या बोलते हैं, हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और उसे रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड करने के बाद, मेजर करने के बाद, ये सारे हमें अलग अलग सीरीज मिल रही है। तो एनर्जी कहाँ से रिलीज कर रहा है वो भी समझना, ऐसा नहीं है कि एनर्जी ऐसे ही रिलीज कर देता है इलेक्ट्रॉन। जब भी मान लो को एटम के ऊपर सनलाइट गिर रहा है तो उसने क्या किया, उस वक्त एनर्जी एब्जॉर्ब की। जब उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, एक्साइटेड हुआ, एक्साइटेड होने के बाद इलेक्ट्रॉन वापस क्या कर रहा है, वो हायर ऑर्बिट से वापस जंप करके उसके ग्राउंड स्टेट में आ ही जाएगा। और जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब की थी वही एनर्जी को क्या कर रहा है, वो रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, मान लो हायर ऑर्बिट से फर्स्ट सेल में जब भी जंप करके आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उस वक्त रिलीज होने वाली एनर्जी सबसे ज़्यादा है। और कौन सी एनर्जी है, वो यूवी रेज। और किसने एक्सप्लेन किया था, उसने, लाइमन। तो जब भी लाइमन वर्ड आ रहा है इसका मतलब क्या है, लाइमन सीरीज, हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन कौन से, फर्स्ट सेल में आ रहा है। उसी तरह बामर की बात जब कर रहे हैं तो कौन से सेल में इलेक्ट्रॉन आएगा, सेकंड सेल में। नेक्स्ट पास्टन की बात कर रहे हैं तो थर्ड सेल, ब्रैकेट की बात कर रहे हैं तो चौथे सेल की बात कर रहे हैं, और फोन की बात कर रहे हैं तो फिफ्थ सेल, और लास्ट में हम्फ्री, उससे रिलेटेड कम एमसीक्यू, लेकिन कौन से सेल की बात हो रही है, सिक्स, एक एमसीक्यू ये। दूसरा एमसीक्यू समझना है यहाँ पर, कौन सी जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कौन से फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। तो लाइमन सीरीज में कौन सी एनर्जी रिलीज होगी, यूवी रेज। नेक्स्ट बामर सीरीज में विजिबल, एंड देन इंफ्रारेड। ओके, तो सब में इंफ्रारेड है। तीसरा एमसीक्यू समझना है यहाँ पर, जो स्पेक्ट्रल लाइन है, स्पेक्ट्रम लाइन, वो कितनी होगी। तो लाइमन सीरीज में स्पेक्ट्रम लाइन अगर सेवन से जा रहे हैं तो कितनी आ रही है, सिक्स आ रही है। उसी तरह बामर सीरीज में जाओ तो कितनी आ रही है, फाइव। तो एक कॉमन एमसीक्यू पूछ लेते हैं हम, कि इलेक्ट्रॉन सेवन्थ ऑर्बिट से जंप करके अलग डिफरेंस ऑर्बिट में आ रहा है तो उस वक्त लाइमन सीरीज में कितनी स्पेक्ट्रल लाइन होगी, बामर में कितने, ब्रैकेट में कितने, एंड पास्टन में कितने। तो सबकी टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं ना हम एनर्जी, अरे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन। तो समझना यहाँ पर सबसे ज़्यादा किस में होगी, लाइमन में ही होगी सबसे ज़्यादा। तो ये भी एक एमसीक्यू है यहाँ पर। और जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कौन से फॉर्म में हम डिटेक्ट करने वाले आगे, वेवलेंथ के फॉर्म में उसे एक्सप्लेन करेंगे। तो क्लियर है ये, पॉज करना थोड़ी देर, पॉज ही करना। चलेगा, चलो नेक्स्ट आगे। इसी से रिलेटेड एक टेबल बना लेते हैं जो आसानी से समझ लेंगे। चलो सबसे पहले सीरीज कौन सी, देन सीरीज के बाद ऑर्बिट ले लेते हैं, है ना, या डिस्कवरी किसने की, वो सीरीज में ही डिस्कवर आ जाएगा। ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, या रीजन ले लेते हैं, जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो कौन से फॉर्म में होगी। नेक्स्ट उसके बाद जंप कौन से कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट से, कौन से ऑर्बिट में जंप कर रहा है, मतलब NH2 फाइनल ऑर्बिट टू लो ऑर्बिट लिख रहा हूँ मैं, फाइनल ऑर्बिट टू इनिशियल ऑर्बिट, है ना। तो फाइनल ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट में जा रहा है वो, और स्पेक्ट्रल लाइन कितनी होगी, वो स्पेक्ट्रल लाइन कितनी होगी, 2 से 1 लिख लेता हूँ, चलो 2 से 1। और स्पेक्ट्रल लाइन कितनी होगी, स्पेक्ट्रम लाइन कितनी फॉर्म होगी उसमें। अब एज एग्जांपल चलो सबसे पहले कौन सी सीरीज ले रहे हैं, लाइमन सीरीज ले रहे हैं। चलो लाइमन सीरीज में कौन सा लाइट है, यूवी रेज। तो रीजन कौन सा होगा यहाँ पर, यूवी रेज। कौन से ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट में जंप करेगा वो, तो हाई से NH, हाई से कौन से ऑर्बिट में आना है उसे, फर्स्ट में आना है, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए, है ना, फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है वो। अब स्पेक्ट्रम लाइन कितनी होगी, जरूरी थोड़ी हर बार 6 हो, मैं बोल रहा हूँ फिफ्थ और सेल से यहाँ पर जंप कर रहा है, तो जितनी भी है मान लो हायर ऑर्बिट उसका जितना भी है उसमें से -1 कर दो, तो NH2
हाई ऑर्बिट जो भी है, मान लो मैं 7th ऑर्बिट से बोल रहा हूँ, तो माइनस वन, तो कितने हो गए? 6 हो गए ना स्पेक्ट्रम लाइन। तो स्पेक्ट्रम लाइन कितनी होगी? जो ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, मान लो कि 5th ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके लाइमन सीरीज में आ रहा है, तो कितनी होगी स्पेक्ट्रम लाइन उस वक्त? 4 होगी। नेक्स्ट उसके बाद चलो सेकंड नंबर, लाइमन के बाद कौन है? बामर सीरीज। बामर सीरीज में लाइट जो रिलीज हो रहा है वो कौन है? विजिबल रेज। कौन से ऑर्बिट से? हाई ऑर्बिट टू सेकंड। अब यहाँ पर बनने वाली स्पेक्ट्रम लाइन कितनी होगी बोलो? NH2 NH- दो लाइन कम कर लेना उसमें से, है ना। एज एग्जांपल मान लो 7th ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन बामर सीरीज में आ रहा है, तो टोटल स्पेक्ट्रम लाइन कितनी है? 7th से आ रहा है तो टोटल 5 लाइन मिल रही है ना, क्योंकि बामर सीरीज मतलब सेकंड सेल में आ रहा है। चलो उसी तरह यहाँ पर थर्ड नंबर कौन है? लाइमन बामर पाश्चन। चलो पाश्चन में कौन सा है? इंफ्रारेड। कौन सी ऑर्बिट में? NH2 थर्ड। और यहाँ पर स्पेक्ट्रम लाइन कितनी होगी? -3। देन फोर्थ नंबर ब्रैकेट इंफ्रारेड, यहाँ पर भी NH2 कौन से? 4। और NH- नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन 4 होगी यहाँ पर। चलो नेक्स्ट फिफ्थ ब्रैकेट के बाद फोन्ड इंफ्रारेड NH से कौन से ऑर्बिट में? 5th ऑर्बिट ना। और यहाँ पर बोलो कितना होगा स्पेक्ट्रम लाइन? -5। जो फाइनल ऑर्बिट है उसमें से -5 कर देना। एंड 6 नंबर में कौन है? हम्प्री इंफ्रारेड, देन NH2 N6। और यहाँ पर स्पेक्ट्रम लाइन कितनी? -6। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आगे। अब कैलकुलेशन समझना क्या है, यहाँ पर कैलकुलेशन क्या करना है, इससे रिलेटेड MCQ में सारे MCQ ऑलमोस्ट कैलकुलेशन बेस्ड है यहाँ पर। तो क्वेश्चन समझना वापिस वही है ना। इस एग्जांपल मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके कहाँ आ गया? फर्स्ट सेल में आ गया, मतलब कौन सा? लाइमन सीरीज की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पर आ रहा है, तो उसने क्या किया? एनर्जी रिलीज की ना। अब ये एनर्जी जो रिलीज हो रही है उसे कैलकुलेट करना है, तो इसकी वेवलेंथ कितनी होगी? मतलब यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे, जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा क्या कैलकुलेट करेंगे हम? स्पेक्ट्रम लाइन कितनी होगी, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन। चलो सबसे पहले वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट होंगे ना वो पढ़ लेते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला दिया है, और फॉर्मूला क्या है? रीडबर्ग फॉर्मूला। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे हम, डेरिवेशन नहीं करेंगे। कौन सा फॉर्मूला है? रीडबर्ग फॉर्मूला। रीडबर्ग फॉर्मूला किसके लिए है समझना पहले। तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है हमें, या तो वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। सारे फॉर्मूला हमने आगे पढ़ लिए, वेव नंबर वेवलेंथ है ना। तो चलो इसका फॉर्मूला क्या है, रीडबर्ग फॉर्मूला, जिससे हम वेवलेंथ कैलकुलेट करने वाले हैं। तो वेव नंबर इज इक्वल टू, वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/λ। और फॉर्मूला क्या है यहाँ पर? रीडबर्ग कॉन्स्टेंट इंटू Z² / 1/N2² - 1/N1² वही फॉर्मूला, एनर्जी का जो फॉर्मूला था ना वही फॉर्मूला है, ये सिर्फ मॉडिफाई किया हुआ है। और डेरिवेशन नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, डायरेक्ट फॉर्मूला ही देख लेंगे। कौन कौन से पॉइंट है? 1/λ है, यहाँ पर R कौन है? रीडबर्ग कॉन्स्टेंट है। तो R की वैल्यू कितनी होगी? वैल्यू कॉन्स्टेंट ही होगी ना ये, तो R कौन है? इट्स कॉल्ड रीडबर्ग कॉन्स्टेंट है। इसकी वैल्यू कितनी है? तो इसकी वैल्यू हम 2-3 फॉर्म में याद रखेंगे। सबसे पहले सेंटीमीटर इन्वर्स में कितनी वैल्यू गिवन है इसकी, तो R की वैल्यू कितनी है? एक तो 1096 87 ना, राउंड फिगर में 700 ले लेते हैं, 1096 87 है इतनी, या 78 है लास्ट में, 78 है ना। और कौन सा यूनिट है ये? सेंटीमीटर इन्वर्स में। कई बार हम कितना लिख सकते हैं यहाँ पर? 1090 700 भी लिख लो तब भी चलेगा। चलो सेकंड नंबर, 1/R की वैल्यू कितनी होगी ना, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि कैलकुलेशन में आसानी रहेगी तुम्हें। चलो वन अपॉन आर की वैल्यू कितनी आ रही है, डायरेक्ट पूछ रहा हूँ मैं तुम्हें, 9.12 × 10⁻⁶ सेंटीमीटर इन्वर्स लिखा है मैंने, सेंटीमीटर इन्वर्स था, यहाँ सेंटीमीटर हो जाएगा ना, तो ये दोनों फॉर्म याद रखना। चलो एंगस्ट्रॉन्ग के अंदर कितनी होगी ये, 912 और एंगस्ट्रॉन्ग में हो जाएगा क्योंकि 2.10⁻⁸ मतलब एंगस्ट्रॉन्ग ले लेंगे वहाँ पर हम, तो क्या होगा एंगस्ट्रॉन्ग में, समझ रहे हो ना। तो ये डेटा याद रखना क्योंकि कैलकुलेशन में ज़रूरत पड़ेगी। तो रिडबर्ग कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितनी है, 109678 सेंटीमीटर इन्वर्स में, लेकिन 1/r कब यूज़ करना है वो भी बता रहा हूँ मैं तुम्हें, तो दूसरा ये यूज़ करेंगे। चलो नेक्स्ट, उसके बाद तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो एनर्जी की वेवलेंथ कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, वेव नंबर कितना है, वो सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। याद करो कौन सा फॉर्मूला था, फ्रीक्वेंसी म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा ना, फ्रीक्वेंसी म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, तो ये फॉर्मूला को यूज़ करके फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे। चलो सेकंड नंबर पर क्या कैलकुलेट कर सकते हैं वो, तो सेकंड नंबर पर हम स्पेक्ट्रम लाइन कितनी होगी वो कैलकुलेट करने वाले हैं यहाँ से। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन वो भी कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, यहाँ पर अगेन एमसीक्यू में डायरेक्ट फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे हम। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन का फॉर्मूला क्या है, वो इज इक्वल टू n2 माइनस n1 +1 डिवाइड बाय 2। तो ये फॉर्मूला अगर यूज़ करो ना तुम, तो डायरेक्ट क्या मिल जाएगी तुम्हें, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन। स्पेक्ट्रम लाइन मतलब समझ रहे हो ना, मैं ये बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होगा ये वाली मेथड लंबी हो जाएगी, अगर तुम है ना डायग्राम बनाकर चेक करोगे कि 7 से यहाँ पर आ रहा है तो कितनी लाइन्स हो रही है, लेकिन ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे ना तो सिंपल तरीके से एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर वापस टोटल कितनी सीरीज़ है, यहाँ पर 6 सीरीज़ है, लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फून सीरीज़ एंड हम्प्री सीरीज़ है। एंड देन क्या कैलकुलेशन करना है हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से, जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो एनर्जी के लिए क्या कैलकुलेट करेंगे हम, उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे कौन से फॉर्मूला से, रिडबर्ग फॉर्मूला से। तो रिडबर्ग फॉर्मूला क्या है, म्यू बार लिखो या 1/λ लिखो, दोनों राइट है, आर इंटू जेड स्क्वायर, जेड क्या है एटॉमिक नंबर है, 1/N2² - 1/N1² ये N2 नहीं होगा, N1 होगा, यस N1 है क्योंकि आगे माइनस नहीं है, उसमें माइनस था तो यहाँ अगर आगे माइनस लिखूँ तो ये इस तरह लिखना पड़ा, इस तरह लिख सकता हूँ। तो ये फॉर्मूला क्या है वापस, N1 N2 है, थोड़ा ध्यान रखना ये फॉर्मूला, आगे माइनस एनर्जी का जो फॉर्मूला है उसमें माइनस होता है और उसमें 1/N2 - 1/N1 होता है, लेकिन यहाँ से माइनस हटा दिया इसीलिए ये थोड़ा चेंज किया हुआ है। तो हम क्या क्या कैलकुलेट करेंगे वापस, एक तो वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेंगे जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसकी, और सेकंड नंबर पर क्या कैलकुलेट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन, और उसका फॉर्मूला भी देख लेना स्पेक्ट्रम लाइन का फॉर्मूला क्या है। तो ये दो फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना, सारे एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। स्टॉप कर दे।